तो दोस्तों ये है महिंद्रा स्कॉर्पियो S2, और इस S2 में प्रॉब्लम है दोस्तों। ये जो मीटर देख रहे हैं स्पीडोमीटर, इसका जो सुई है दोस्तों वो अपने हिसाब से चल रही है, मतलब गाड़ी कुछ और स्पीड में होती है और ये कुछ और रीडिंग देता है, गलत रीडिंग दे रहा है दोस्तों। और ये कभी 60, कभी 80, कभी 120, कभी 160, कभी 180 पूरा ही काटा फुल हो जा रहा है, जबकि गाड़ी उतना स्पीड में भी नहीं होता है। तो इसको हम देखने वाले हैं कि ये दिक्कत कहाँ से आ रही है। तो दोस्तों ये है व्हीकल स्पीड सेंसर, ये राइट साइड में है गियर बॉक्स में, ये देख सकते हैं। और ये तार काफ़ी इसकी हालत ख़राब है, और ये पीछे से सोल्डिंग भी किया हुआ है, तो इसमें हमें चेक करना होगा दोस्तों कि इसमें कोई क्रोजन व्रोजन तो नहीं लगा है। रस्ट जो होता है दोस्तों, वो रस्ट लगने से भी ऐसा हो सकता है, वो प्रॉपर सिग्नल नहीं मिल पाने की वजह से भी ऐसा हो सकता है। तो इसको हम देखते हैं। तो दोस्तों ये व्हीकल स्पीड सेंसर का ये कपलर है, आप देख सकते हैं इसमें भी थोड़ा थोड़ा रस्ट है। तो ये रस्ट होने की वजह से हमें इस कपलर को चेंज भी करना होगा। मैं ये रेड वाला को पहले बाहर निकालता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये कपलर अंदर से ख़राब भी है, और ये पीछे से सोल्डिंग भी किया हुआ है तार टूटने की वजह से। तो हमें इस कपलर को चेंज ही करना होगा, ये कपलर नहीं चल सकती है। अगर इस कपलर को हम रिपेयर करके भी डाल देंगे तो कभी कभी प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये व्हीकल स्पीड सेंसर को हम बाहर निकालते हैं और देखते हैं इसकी कंडीशन। वैसे तो ये सेंसर है दोस्तों, इसमें हमें बाहर से भी देखने से कुछ पता नहीं चलेगा जब तक कि हम इसको बदल कर ना देखें। इसको खोलने के लिए आप हाथ से ही खोल लोगे, और ये खुल गया दोस्तों। ये देखने में भी नहीं लग रहा है कि ये ख़राब है, मगर होता क्या दोस्तों, इसमें पानी उनी घुस जाने के कारण से ये ख़राब हो जाता है, और ये अंदर से इंटरनली शॉर्ट हो जाने के कारण ये रॉन्ग सिग्नल देने लगता है। और ये हमारा नया वाला सेंसर है जो मैं फिट कर रहा हूँ, इसको कसने के लिए भी हमें कोई टूल्स नहीं चाहिए, हम इसको हाथ ही कस देंगे, हाथ से ही कस देंगे। और ये हाथ से थोड़ी सी ताकत लगाकर हम इसको कस देंगे, और उसके बाद इसका जो कपलर है उसको हम फिट कर देंगे। तो दोस्तों हमने फिट भी कर दिया, ये इसका कपलर है जो हमें नया बदलना पड़ा, और सेंसर। तो ये हमारी प्रॉब्लम ठीक हो गई है, अब हम इसको टेपिंग कर देंगे। अब इसको टेप कर देंगे दोस्तों, और हमारी गाड़ी ठीक हो गई। चलो।